क्यों, क्या हो जाता है, पूछा क्या जाता है? बारिश हो जाएगा। कौन सा वायरस है? हैं? हाँ, कोरोना वायरस हो जाएगा। हो जाएगा, शादी होगी बकायदा। किससे करनी है शादी आपको? किससे करनी है शादी? आपको किससे करनी है भाई? आपको किससे करनी है बताओ? बताओ, हमको लड़का बता दो, हम आज ही शादी करा देते हैं। तुम चली जाओ पराए घर अब। पापा, पापा से शादी करा दें? हाँ। पापा अच्छे लगते हैं आपको? मम्मी से कर लो। क्यों? मम्मी अच्छी है। हम आपको शॉपिंग कराएंगे, घूमी कराएंगे, और हम आपको अच्छा अच्छा बना के खिलाएंगे। अब पापा से शॉपिंग, पापा से अगर शादी करोगी तो पापा घुमाएंगे फिराएंगे, पर वो आपको खाना बना के तो नहीं खिलाएंगे। बताओ किससे शादी करोगी, मम्मा से या पापा से? आजी। पापा से। मम्मा से नहीं करूँगी। डेली केक। कौन सा केक बन रहा है? नहीं नहीं, मैं तो गाड़ी रख दी थी, ऐसी पानी वाला केक। स्कूल। तो ये कोरोना वायरस तो फैला है भैया, ऐसे मैं आपको स्कूल कैसे भेजाऊंगी? मैम को घर पे बुला रही हूँ ना, उनसे नहीं बुलाओ। क्यों? आपको स्कूल में ही पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करना है। बाहर पढ़, बाहर बहुत सारे फ्रेंड होंगे, वो वहाँ पे वायरस फैला है ना, इसलिए नहीं जाना चाहिए बाहर। गंदी बात सीख रही हो, अभी हमने मारा था आपको। ये ओके लुक दिखाओ। वाओ, वेरी नाइस, थोड़ा आगे से दिखाओ। सो मच फन बेबी। पीछे का तो खुल गया। ओह माय गॉड, यू आर लुकिंग स्टनिंग। या ये दीदी ऐसी करती पजामा इसको बड़ा और पहन के आती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, और मैं भी अब बिल्कुल अच्छी हूँ। अच्छा खासा रेस्ट लिया है मैंने, मैंने रेस्ट लिया है 27 तारीख से, एंड 28, 29, 30 और 1, और आज 3 है, तो 2-3 मतलब 6 डेज़ का मैंने अच्छा खासा रेस्ट लिया है वाईटी से, बिकॉज मैं वीडियो पे वीडियो बनाए जा रही थी, एंड मेरा हेल्थ इशू भी हो रहा था, प्लस बच्चे संभालना, घर संभालना, अब ससुराल पे थी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिनको पूरा करना पड़ रहा था। तबीयत ख़राब थी फिर भी कर रही थी, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है तो उसे फिर अच्छे से निभाओ। अब जब मैं त्यौहार पे वहाँ पे गई थी तो त्यौहारों को अच्छे से सेलिब्रेट भी करना था, जिस तरीके से करना चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, बट आप लोगों को एक वेरी वेरी बैड न्यूज़ दिखाने वाली हूँ और सुनाने वाली हूँ। वो ये है कि मेरे अटूट बाल झड़ रहे हैं, टूट बाल झड़ रहे हैं, जिसकी कोई हद नहीं है। आप लोग शायद यकीन नहीं कर पाएंगे कि मेरे एक दिन के अंदर कितने कितने सारे सारे बाल झड़ रहे हैं। सी, ये मेरे खुद के बाल हैं जो कि झड़े हुए हैं, और फिर सेकेंड डे इतने बाल, मतलब दमों में मैं मान सकती हूँ कि मैं पल्ला ले रही थी, सर पे था, एक दो दिन मैंने बाल नहीं सुलझाए थे, तो शायद एक दिन इतने ज़्यादा बाल निकले, लेकिन दूसरे दिन भी उतने ही बाल निकले, एंड आज मैंने वॉश किया अपना हेयर, तो फिर मतलब पूछो ही मत ही। हेयर वॉश करने के बाद भी गीले वालों में भी बहुत सारे बाल झड़ गए, और सूखे वालों में भी बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं। मैं मतलब ऐसे खींच रही हूँ ना, तो मेरे हाथ में कुछ ऐसे बाल आ रहे हैं, शायद आप लोगों को दिख रहे होंगे। दिखाती हूँ मैं, ये देखिए, दिख रहे हैं क्या? कुछ बाल, चार चार, तीन तीन, चार चार बाल आ रहे हैं। इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो टेंशन तो लग ही जाती है। तो अभी मैंने बात की कि मैं क्या करूं, मतलब कुछ है जैसे बूढ़ी दादी माँ के नुस्खे, सास के नुस्खे, तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मेरे गज़ब के बाल झड़ रहे हैं, क्या करूं? फिर मम्मी ने बोला कि काम करो, या तो एग खाना शुरू कर दो। मैंने कहा नहीं, मैं एग वगैरह तो नहीं खाऊंगी। तो फिर उन्होंने बोला कि काम करो, फिर कुछ प्रोटीन वाली चीज़ें लो, ग्रीन वेजिटेबल्स लो, इससे जो बाल हैं कम से कम वो झड़ेंगे, लेकिन इतने नहीं झड़ेंगे, और कई बार वीकनेस से भी बाल झड़ते हैं, बिकॉज़ एक महीने से इतना ज़्यादा फीवर था,
तो उसकी वजह से भी बाल झड़ रहे होंगे। और बता दूं मैं कि मैंने कौन सी दवाई ली जिसकी वजह से मेरा 1 मंथ का फीवर ठीक हो गया, तो वो थी जूड़ी ताप, एक सिरप करके आता है जूड़ी ताप, ओनली 45 रुपीज़ का था। वो मेरे पापा जी लेके आए थे, मेरे ससुर जी, बिकॉज वो बोले जब इतने महंगे महंगे इलाज करवा के कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो ये बेस्ट है, क्योंकि ये उस टाइम पर काम किया था जिस टाइम पर कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। यानी कि आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने अगर बचपन में आप लोगों को भी पता होगा, बिकॉज आप मेरे ही हम उम्र होंगे जो मुझे देखते होंगे, और कई लोग मुझसे बड़े होंगे, कई लोग मुझसे छोटे होंगे। तो एक बीमारी आई थी जिसका नाम था फीवर था, वो चिकनगुनिया करके एक फीवर आया था, चिकनगुनिया ही था आई थिंक, तो वो करके एक फीवर आया था। तो उस टाइम पे जूड़ी ताप बहुत ज़्यादा चली थी, बहुत ज़्यादा। तो बस वो वाला सिरप अभी मैंने पिया है, और एक 10 मोलारिस्ट करके एक सिरप आता है जो कि डिलीवरी के बाद पीना चाहिए, जो कि मैंने नहीं पिया था, एक वो सिरप मैं अभी पी रही हूँ। तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हो गया है, रिलीफ क्या, मैं ठीक हो गई हूँ उससे। एंड आज मुझे जाना है मेरी ग्रॉसरी लेने के लिए, बिकॉज 6 दिन से टाल रही थी लेकिन अब नहीं टाल सकती हूँ। आज बहुत सारे काम हैं, कुछ विंटर्स के क्लोथ्स लेने हैं खुद के लिए, बच्चों के लिए तो मैंने ले लिए थे दमू जाने के पहले, खुद के लिए लेने हैं और ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। लेकिन हाँ, कुछ तो लेनी पड़ेगी, उड़ीज़ वगैरह ले लूँगी, और एक आध दो देखती हूँ मैं, कुछ विंटर्स के हिसाब से लूँगी, लोवर्स वगैरह ले लूँगी घर के लिए, सॉक्स वगैरह लेना है। मतलब खर्चे तो भाई बहुत होते हैं, कितना आप सोच लो कि खर्चा नहीं करना है, बट खर्चे होते ही होते हैं। सभी से बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैसा खर्च करना, वहाँ पे तो आप करिए, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर आप बचत कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं, वहाँ पर आप बचत कीजिए। अब जैसे हर साल मैं विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर लेती थी, लेकिन इस साल मैंने सोच लिया है मुझे विंटर्स पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, बिकॉज़ ये कोरोना काल ने हमें ये बहुत अच्छे से सिखा दिया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा करोगे तो आपकी क्या कंडीशन हो जाती है फिर कोरोना काल में। बिकॉज जब लॉकडाउन डला था सबको पता है कि सबकी अर्निंग कैसी हो चुकी थी, और भाई जो पैसा बच रहा है तो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा, पहले तो ऐसा 20-30% ऐसे लोग थे जो बेचारे खुद के लिए कपड़े नहीं खरीद पाते थे, बट इस टाइम पे 50% लोग ऐसे हो चुके हैं जो विंटर्स पे शायद एक स्वेटर भी नहीं खरीद पा रहे होंगे क्योंकि उनका बजट भी नहीं होगा उतना। तो उनकी हेल्प कर दीजिए ताकि उनको थोड़ी सी मदद मिल जाए। सो गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी, बहुत देर से बाबू मेरी हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि मेघा मैं तुम्हारी हेयर स्टाइल बना रहा हूँ, तुम्हें हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता है, ऐसी बनाया करो, ठंडियों का टाइम है। मैं उनसे बोल रही थी मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, काय के लिए बना रहे हो, फिर भी नहीं मान ही नहीं रहे थे। जब मंस ने बाल पकड़े और मंस के हाथ में अच्छे काफ़ी सारे बाल आ गए ना, सीधा बोल दिया पोनी टेल बना लो, सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। मतलब वहाँ पे मेरी बेइज्जती भी हो गई कि पोनी टेल बना लो, ज़्यादा फायदे में रहोगी। एंड अब हम निकल रहे हैं थोड़ा सा घूमी करने, कहीं उतरेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, अगर कोई काम होगा तो ज़रूर निपटाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो हम जा ही रहे हैं। सोच रहे हैं कि डीमार्ट जाएं या ना जाएं, लेकिन बाबू बोलते हैं चलो काफ़ी दिन से तुम कहीं गई भी नहीं हो, घर में ही बंद हो, थोड़ा अच्छा लगेगा, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो आती हूँ थोड़ा सा घूम घूम के, आई नो कोरोना टाइम है तो बच्चों के साथ तो जाना रिस्की है, लेकिन घूम तो सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि गाड़ी का कांच ओपन ही नहीं करेंगे, गाड़ी में से कुछ होगा ही नहीं, गाड़ी में ही रहेंगे, गाड़ी ही में घूम लें, ऐसे तो कहीं घूम नहीं सकते हैं। सो गाइज, रात के 8 बजे थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी। अब आप सोचेंगे ओवर स्मार्ट बनने का मतलब थी, तो एक्चुअली मैं, मुझे आजकल रील्स बनाने का बड़ा चस्का लगा है। हाँ हाँ, आप सही पकड़ रहे हैं, इंस्टाग्राम के जो रील्स है ना, वो मुझे बनाने का बड़ा चस्का पड़ा है। बना लेती हूँ, कभी भी कैमरा ऑन कर लेती हूँ, वो बना लेती हूँ। अब आपको पता ही है कि आपकी मेघा कैसी है, आपकी मेघा बड़ी सिंपल है, वो दिन भर ऐसे ही घूमती रहती हैं, कैसे भी मुँह उठा के रील्स बना देती हैं। तो क्या करती हूँ, रील्स में आजकल बड़े प्यारे फंक्शन आ रहे हैं, बड़े प्यारे, मतलब आपके फेस पे ग्लो नहीं है आप ग्लो ला लो, आपके फेस, आपकी लेसेस नहीं है आप वो लगा लो, बट लिपस्टिक नहीं है वो भी लगा लो, कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुझे लगा चलो ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ, मस्त मेकअप करती हूँ, मेकअप किया,
और रील्स बनाने की कोशिश की, कुछ गाने ढूंढने की कोशिश की, बट कहते हैं ना कि पहले से सिलेक्ट करके रख लेना चाहिए। तो इतने डेली मुझे ना इतने आते हैं कि हाँ भाई ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, और जब आर्ट ढूंढने को बैठी ना कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मतलब इतना मेकअप करने के बाद ये देखिए क्या लगाया है, रात के 8 बजे सिमर लगा के बैठी हूँ, मस्त मेकअप किया हुआ है, दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो मेकअप किया, डार्क लिपस्टिक लगा ली रात के 8 बजे, कहीं जाना नहीं था, थोड़ा बहुत हाईलाइटर भी लगा लिया, ऑब्वियसली फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाया था मैंने, स्किन केयर किया, उसके बाद जो ब्लश एंड हाईलाइटर होता है वो लगा लिया। मैंने सोचा चलो लिपस्टिक रिमूव कर लूँगी, ये रिमूव कर दूँगी, यहाँ से ये रिमूव कर दूँगी और मेरा स्किन केयर हो गया, मुझे अब दोबारा मुँह नहीं धोना पड़ेगा। बट हमको कहाँ पता था कि हमको गाने ही नहीं मिलेंगे, तो आज ऐसा टाइम पास हुआ। कल ग्रॉसरी लेके आई थी, 56 गई थी, वहाँ पे मोमोज़ ऑर्डर किए, कार में हम लोगों ने मोमोज़ खाए क्योंकि बच्चों के साथ बहुत रिस्की, और पहली बात हम करेक्ट 8 बजे वहाँ पे पहुँचे थे, जब तक वहाँ पे इतने सारे पुलिस वाले भैया लग पहुँच गए थे और सबकी अच्छी खासी परेड लग रही थी, तो हमको डंडे नहीं खाने थे, हमको मोमोज़ खाने थे, तो इसलिए हमने ऑर्डर किए, कॉल किया जोमेटो पे, फिर ऑर्डर किए, और जब तक हम वहाँ पे पहुँचे तब तक हमको ऑर्डर मिल गया था, हमने आराम से कार में बैठ के खा लिए बढ़िया गर्मा गर्म, और अपने घर आ गए। डीमार्ट गए थे, डीमार्ट से शॉपिंग होके आ गई थी, तो कल काफ़ी सारे काम निपट गए। अभी खुद के लिए कपड़े की शॉपिंग करनी है पर वो नहीं कर पा रही हूँ, और अभी बाबू संभाल रहे थे मंस और मिशिका को, क्योंकि मैंने बोला मुझे 1-2 रील्स बनाने हैं, तो कहते हाँ हाँ बना लो आराम से, पर वही वाली बात हो गई कि रील्स नहीं बनी तो क्या हुआ, मेकअप के साथ वीडियो ही बना लेते हैं। सीरियसली यार कभी कभी ऐसा लोचा होता है, सच में सबके साथ होता है क्या, मेरे साथ तो होता है। एंड आजकल मैं रेस्ट बड़ा कर रही हूँ बिकॉज द मूड में वो बहुत थक गई थी, काम से नहीं थकी हूँ तबीयत से थक गई थी, अभी थोड़ा रिलीफ मिला है बॉडी को, तो सोच रही हूँ आराम से रिलीफ ही कर, मतलब आराम करूँ, बस आराम करूँ। सो चलिए अब रील्स तो बना नहीं पाई, और बाबू क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट देख रहे हैं दोनों, बाप बेटे, बेटी बाप बेटे और बेटी। सो अब ठीक है, थोड़े बाल बाल बांध लिए, थोड़ा अच्छा लग रहा है। सोच रही थी पहले काजल लगाने का, लाइनर लगाने का, पर मैंने कहा इतना झोल नहीं करती हूँ, फिर मुंह धोना पड़ेगा। यार एक इंसान ठंडियों में कितना सोचता है मुंह धोने के लिए, बार बार मुंह धोना पड़ेगा, वाइप से क्लीन कर लो, वाइप के कम ठंडा होता है पर फिर भी लगता है वाइप से क्लीन कर लो। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर से। सो गाइज आई नो कि आज का वीडियो काफ़ी चिट चैट वाला हो गया, मतलब पूरा चिट चैट वाला होगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको ये साथ अब एक रूटीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।